लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, और आप सभी को जानकारी देते हैं कि फिर आज एक बार फिर दुखद खबर जो है सुबह सुबह सुनाई देती है। जानकारी ये मिल पाई है कि जो व्यक्ति है 22 वर्ष का युवक अमित, उसका नाम बताया जा रहा है, जिसने जो है कल फांसी ले ली थी, जिसके बाद आज उसका शव जो है मर्चरी हाउस में लाया गया। बताया जा रहा है बिहार का ये निवासी था, और कहीं ना कहीं जब बड़ा भाई काम पर गया था तो छोटे भाई ने पीछे से फांसी ले ली थी। जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन बातों के चलते फांसी ले ली है, कारण साफ नहीं हो पाए। परिवार वाले जो हैं काफ़ी गरीब हैं, दहाड़ी मजदूरी कर जो है ज़िंदगी का गुजारा बसर करते हैं, और आप सभी को जानकारी दे दें कि यमुनानगर में दहाड़ी मजदूरी करते हैं और छिछरौली के नज़दीक रहने का काम करते हैं। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर ज़रूर करिएगा। ये बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं उनके लोग से, क्या कुछ उनका कहना है कि पूरे मामले। क्या नाम है आपका? सोनू है। सोनू पटेल। क्या हुआ था आपके भाई को? कुछ नहीं हुआ था, उसका टीबी का बीमारी था पहले से। अच्छा। उसका बाद वो 2 बजे गया ड्यूटी। हाँ। 2 बजे के बाद मैं आया रूम पर, उसका बाद हम लोग ड्यूटी में थे, 6 बजे आए तो देखे कि फांसी लगा लिए। अच्छा, तो क्यों लगाया फांसी नहीं पता चला? नहीं है। घर में और कौन कौन है आपके? मेरे घर में सब कोई है। अच्छा, यहाँ क्या काम करता था आपका भाई अमित? प्लाईवुड में रहता है। प्लाईवुड में रहता है। आप क्या करते हैं? प्लाईवुड में रहते हैं। तो कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, कोई बात लगाया क्या नहीं। लगाया आपने क्या कुछ देखा जैसे आप आए तो? कहाँ लटका हुआ था? फांसी में लटका हुआ था, वो पंखा लगाने वाला छत में नहीं होता, वही चुन्नी से बांध के लटका हुआ था। हाँ, गमछा, गमछे से बांध के लटका। कहाँ रहते हैं आप? मुकारमपुर जी। मुकारमपुर में। तो फिर पुलिस को सूचना दी गई? जी। तो क्या कुछ लगता है आपको, किन कारणों से लगाई होगी फांसी या ऐसे लगा लिया? छोटा भाई था सबसे? मेरा तो छोटा था। सबसे छोटा, उससे भी और छोटे हैं ये। परिवार वालों को बता दिया है अभी? सब बता दिया। तो ये अंतिम संस्कार कहाँ करोगे आप? बिहार जाएगा। बिहार जाएंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों लगाई होगी फांसी? अभी कारण नहीं साफ हो पाए अभी उसको। अब मन में क्या था नहीं था ये हम लोग को कुछ भी आस पास नहीं बरामद? कोई फोन फोन में कुछ नहीं? आपको किसी पे शक नहीं? नहीं कुछ है। जी हाँ, तो परिवार वालों का कहना है कि इनको किसी पर शक नहीं है, और परिवार वालों के बाद आप सभी को जानकारी दे दें कि परिवार वालों के बाद जो है पुलिस ने 174 की कार्रवाई जो है कर दिया। बड़ा दुखद हो जाता है उस परिवार के लिए जिस परिवार का जो है एक व्यक्ति जो है छोड़कर चला जाता है। और आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से गरीब मजदूरी कर अपने घर बच्चों का पेट पाला करता था, और अमित जो है बिना किसी बात के जो है नाराज़ हो गया। पता नहीं कि क्या बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जो है अपनी अंतिम लीला, जीवन लीला समाप्त कर ले। मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा। आप सभी को जानकारी दे दें कि अब जो है अमित के शरीर को जो है मर्चरी हाउस से लेकर जो है बिहार में जाया जाएगा, क्योंकि बिहार में सारे परिवार जन है, उसके बाद इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद दुखद हो जाता है उस परिवार के लिए जिस परिवार को पता चलता है कि उनका 22 वर्ष का जवान लड़का इस दुनिया से अलविदा कहकर चला गया, और अलविदा कहने के साथ साथ कारणों का नहीं पता चल पाता है, महज 22 साल की उम्र क्या होती है। लेकिन आजकल के जो युवक हैं इस तरह के जो स्टेप्स ले लेते हैं, कहीं ना कहीं परिवार के लिए बेहद दुखद हो जाता है। अगर वो तो चले जाते हैं लेकिन परिवार पर दुखों का पहाड़ जो है टूट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को जानकारी दे दें कि उस परिवार पर, उस माँ पर, उस बहन पर, उस भाई पर और तमाम उस परिवार के जनों पर क्या कुछ बीतती होगी जिस तरीके से जो है 22 वर्ष का युवक फांसी लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। क्या इस तरीके के मामले जो है हरियाणा के ज़िले यमुनानगर में बढ़ते भी जा रहे हैं? और प्रवासी मजदूर का बात की जाए तो प्रवासी मजदूर यमुनानगर में अपना जीवन यापन करने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएँ जो है होती हुई नजर आती है। लेकिन क्या कारण है कि प्रवासी मजदूरों जो है फांसी लेकर अपनी अंतिम लीला समाप्त कर लेते हैं, घरों से इतने 100 किलोमीटर दूर रहते हुए भी? आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से बहुत दुखद हो जाता है। खैर, मौके पर पुलिस ने जो है पहुंची भी है और कार्रवाई करते नजर आ रही है, और आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि जो है एम्बुलेंस के जरिए जो है अमित के शव को बिहार लेकर जाया जाएगा, और बिहार लेकर जाने के बाद जो है इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहे, आप सभी को जानकारी दे दे। बेहद दुखद हो जाता है उस परिवार के लिए जिस परिवार का जवान लड़का, जी हाँ, 22 साल का अमित जो है बिना किसी कारणों के फांसी लगा लेता है, सेवा दिहाड़ी का काम किया करता था। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, बेहद दुखद हो जाता है उस परिवार के लिए। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, इन खबरों के लिए बने रहे IB24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।